निकम्मी लड़की, शादियों में इतना लाइट मेकअप नहीं करते। लाइट मेकअप, लाइट लिपस्टिक पिक्चर्स में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हंसा बोला करो, खुश रहा करो, लोगों की परवाह मत क्या करो, जो बोलता है उसे बोलने दो। शौहर के दिल का रास्ता सिर्फ पेट से होकर नहीं गुजरता, थोड़ा बातें चीते क्या करो उससे। कोशिश तो करती हूँ कि अच्छा बोलूं। इस उम्र में सिर्फ हंसना बोलना आना चाहिए ना। आप तोल कर तराजू लेकर बैठ गई ना तो बुद्ध बनकर रह जाओगी। ठीक कह रहे हैं आप। ये आप क्या है? मशल नाम है मेरा, आप मुझे मशल बुला सकते। हाँ, अगर आपको मैं बड़ी लगती हूँ तो आपा, बाजी, जो दिल में आए वो कह दो। सॉरी मशल, मैं तो बस इज्जत देने के लिए कह रही थी। ओ नहीं, इज्जत मत दो, बहुत इज्जत है मेरे पास, बैंक में रखने की जगह नहीं। तुम बस मोहब्बत दे दो। मोहब्बत भी तो बहुत है, जुनेद भाई इतनी मोहब्बत तो करते हैं तुमसे। ये हुई ना बात, इस तरह स्पॉन्टेनियसली जवाब दिया करो। और सुल्तान भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बस मुझे लगता है उसे जाहिर करना नहीं आता, जताने नहीं आता। तुम देखना, आज तुम्हारा इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि तुम्हें देखता रह जाएगा और खूब तारीफ करेगा तुम्हारी। अरे बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? देर हो रही है, मेहंदी पे जाना है। दादो, मैं तैयार ही हो रहा था तो वो इतनी देर में पता चला कि आज क्लास लेनी है और दोस्त का फोन आया कि सुबह असाइनमेंट भी सबमिट कराना है, तो मीत से माजरत कर लीजिएगा। सरवर साहब की तरफ से भी माजरत, तुम्हारी तरफ से भी माजरत। तो मत जा, कौन रहा है? इन लोगों को रिश्ते की नजाकत का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। सरवर, मैंने तुमसे कहा था ना कि जाना जरूरी है। अम्मा प्लीज, मैं बिल्कुल तैयार नहीं। आपको बहाना बना दीजिएगा ना, कह दीजिएगा कि आई हैड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, नहीं आ सकता। ओके, बस बहाना कर दें इनकी तरफ से, अब हम ही दोनों रह गए। चलो बेटा, चल के तैयार हूँ। हाँ मैं तो रेडी भी नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। आओगे? यहाँ तो मेहमान भी आ गए हैं। सॉरी अनु, मैं नहीं आ सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। यू आर लुकिंग सो प्रिटी। वो देखो, तुम्हारे मियाँ जी आ रहे हैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए। Oh my God, you're looking so beautiful. वाह मशल, आपके हाथ में तो जादू है, literally. आपने तो असरा को पूरा बदल के रख दिया यार, very good. नहीं, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया है, इतनी खूबसूरत है, मैंने बस थोड़ा सा हाईलाइट किया है। नहीं नहीं नहीं, आप आजिजी से काम ले रही हैं। Literally, आपने असरा को बहुत प्यारा मेकअप किया, बहुत अच्छी लग रही है। सीखो असरा, अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, खुद को कैसे कैरी किया जाता है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, अब तो तुम इससे मशवरे ले सकती हो। मैं भी यही सब कुछ समझाती हूँ उसे, एंड आई होप अब इसे ज्यादा अच्छी तरह समझ आ गया। थैंक यू सो मच। ये आपकी बीवी है, अब आप खुल के खूब सारी इनकी तारीफें करें। मैं जरा अपने शोहर को ढूंढू, 5-10 मिनट अगर मैं ना देखूं ना उनको तो मुझे पहचानने से इनकार कर दे। शो अब तो आपके साथ अच्छी लगूंगी ना मैं। असरा, इतनी डार्क लिपस्टिक, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कह रहा था, तुम मेरा नेचर जानती हो यार,
और बेचारी मशन इतनी देर से तुम्हारा मेकअप कर रही थी, उसने इतनी मेहनत की है तुम पे, अब उसके सामने तुम्हारे मेकअप की खामी निकालूंगा तो कितना बुरा लगेगा उसको, उसका दिल रखने के लिए। और मुझे लग रहा था कि आप उसकी तारीफ करते हुए दर पर्दा मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्या कह सकता हूँ आप, मैं अच्छी नहीं लग रही। देखो, गलत फहमी और खुश फहमी में फर्क होता है। गलत फहमी को दूर किया जा सकता है लेकिन खुश फहमी का कोई इलाज नहीं। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही हो, कुछ मिसिंग है, मतलब एक परफेक्ट लुक नहीं आ रहा। तुम्हारा ये लिपस्टिक का कलर तो देखो यार, कौन यूज करता है अब ये कलर? लिप कलर अच्छा नहीं है। अच्छा है, लड़कियां लगाती हैं, लेकिन बस मुझे नहीं पसंद। मशल ने लगाया था, वो कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है। लीव इट, फॉरगेट एवरीथिंग। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या करूं, कैसे इनके मन को भाऊं, कहां से निकालूं रास्ता, ऐसा क्या करूं जिससे मैं इनको अच्छी लगूंगी? ऐसा साथ, मोहब्बत, हुस्न, सादगी, वफादारी, फरमाबरदारी, सब कुछ तो करके देख लिया लेकिन फिर भी इनकी पसंद नहीं बन पाई। अपनी पूरी जिंदगी बदल ली, जिस तरह ये चाहते थे वैसे चल रही हूं, और इनके पीछे चलते चलते थक गई, भाग भाग कर खुद को हरकान कर लिया, लेकिन आज भी इनकी पसंद पे पूरा नहीं उतर पा रही। कहाँ चले गए भाभी? अरे कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है? आप लोग इतनी देर से आए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। बेटा ये तुम इतनी सादा क्यों लग रही हो? बेटा नई नई दुल्हन हो, अच्छी तरह तैयार होना चाहिए था। कपड़े तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर ना मेकअप ना जेवर। अम्मा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अरे मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, क्या जरूरत है मसनूई हुस्न की? बहुत कम लोग होते हैं असरा जो सादगी में भी इतने प्यारे लगते हैं, और जिसका दिल अच्छा होता है ना वो हमेशा खूबसूरत ही लगता है, और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू भाभी। भैया और शयान कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? अरे तुम्हारे भैया का पता है ना तुम्हें, कोई बिजनेस मीटिंग आ जाती है तो सब छोड़ देते हैं, मजबूरी थी इसलिए नहीं आ सके।